सप्तकोसीय परिक्रमा में बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले ई रिक्शाओं की शुरू हुई कार्यवाही। एआरटीओ ने बिना अनुमति के चलने वाले ई रिक्शाओं के खिलाफ की कार्यवाही। गिरिराज धाम गोवर्धन सप्तकोसीय परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों की जाम की समस्याओं को देखते हुए अधिकारियों द्वारा परिक्रमा मार्ग में 400 ई रिक्शाओं की नगर पंचायत के द्वारा परमिशन दी गई, जिसका शुक्रवार को डीएम पुलकित खरे के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शाओं को रवाना किया गया और कहा कि परिक्रमा मार्ग में सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले ही ई रिक्शे चलेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शाओं की परिक्रमा मार्ग में चलाने की कोई अनुमति नहीं है। इसी को देखते एआरटीओ मनोज कुमार ने अपनी टीम के साथ परिक्रमा मार्ग में चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शाओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू की, जिसमें मोटरसाइकिल से जोड़कर ई रिक्शाओं का रूप देने वाले वाहनों पर भी कार्यवाही की। एआरटीओ विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही से बिना रजिस्ट्रेशन वाले परिक्रमा मार्ग में चलने वाले ई रिक्शा वालों में हड़कंप मच रहा और अपने अपने ई रिक्शाओं को लेकर दौड़ लगाते हुए नजर आए। एआरटीओ विभाग द्वारा 25 ई रिक्शाओं के खिलाफ की गई कार्यवाही। सर, ई रिक्शाओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है परिक्रमा मार्ग में, ये कितने ई रिक्शाओं पर कार्रवाई की गई है? अभी करीब 25 ई रिक्शा और जो मोटरसाइकिल में अनाधिकृत रूप से जो जुगाड़ वाहन चला रहे हैं उनके कार्रवाई की गई है। कल जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में परिक्रमा मार्ग पे जो हम लोग का रूट नंबर 1 है उस पर 4 ई रिक्शा को हम लोगों ने अलाउड किया है, जिसमें वही लोग संचालित करेंगे जिनको टोकन प्राप्त हुआ है नगर पालिका से, और हम जिन लोगों को जिन ई रिक्शा को अभी टोकन नहीं प्राप्त हुआ है वो गोवर्धन में अन्य मार्गों पर संचालित कर सकते हैं। उसको भी हम लोग बाद में जिला प्रशासन से सर के निर्देशन में फिर उसको भी हम लोग रेगुलाइज करने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग परिक्रमा मार्ग को बेसिक जो महत्वपूर्ण है हमारे जो श्रद्धालु जिस पर ये परिक्रमा करते हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए ये पहला रूट को हम लोग संचालित कर रहे हैं और उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जिन लोगों को रूट आवंटित किया गया है उनके अलावा और कोई संचालित न किया जा सके। सर, ये कितने दिन कार्रवाई चलेगी? कोशिश रहेगा कि अगर हम लोग लगातार कार्रवाई चलाएंगे, अगर ये परिक्रमा मार्ग पर हमारे जो आवंटित ई रिक्शा है वही संचालित हो रहे हैं तो ये कार्रवाई बनकर फिर हम लोग दूसरे रूट पर इसको भी देखेंगे।